अमरीकी कंपनी नोकिया को मिला चांद पर टावर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ज़मीन पर तमाम जगह 4G टावर न लगे हो, लेकिन चांद पर टावर लगाने की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। इस काम के लिए अमरीकी एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के तहत, जिसका मकसद पहले औरत फिर मर्द चांद पर 2024 तक के लिए लोगों को चांद पर बसाने का प्लान कर लिया है। नोकिया समेत अमेरिका की 14 बड़ी कंपनियों को नासा ने कॉन्ट्रैक्ट इशू किए हैं। इसके लिए नोकिया को 1.03 अरब रुपए भी मिले हैं। और नोकिया ने अपने जवाब में कहा है कि नोकिया बेल्स लैब की तरफ से 2022 तक इस काम को पूरे कर लेने हैं। दरअसल आपको एक जानकारी दे दें कि नासा के इस काम के लिए नासा को $35 बिलियन खर्च करने हैं, और इसका मकसद यह है कि चांद पर लोगों को बसाना, जिसमें पहले बता दिए हैं कि उन्होंने एक मिशन लिया, पहले औरत फिर मर्द को हमें बसाना, इसके लिए 2024 तक उनको ये काम पूरा कर लेना। अब ये जान लेते हैं चांद पर किसका हक, क्या जिसने झंडा गाड़ दिया उसका हक? बिल्कुल नहीं। 1967 की एक ट्रीटी हुई थी, एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत, इसका नाम था आउटर स्पेस ट्रीटी, इसके तहत चांद पर हर एक देश का हक होगा। जो पहले झंडा गाड़ा या बाद में झंडा गाड़ा, इससे कोई बहस नहीं है। आपको जैसा कि पता है 14 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने अपने साथियों के द्वारा चांद पर कदम रख दिया था, और वे लोग चांद पर 3 घंटे तक घूमते भी रहे थे। और इस तहकीक ये कहती है कि चांद पर इंसान घर बना सकता है। और आपको ये बता दूं कि चांद की जो वो तहकीक थी, उसी ने इसको बढ़ावा देते देते अब ये प्लान बना लिया गया कि 2024 तक नासा के जरिए पहले लेडीज़ फिर जेंट्स के मिशन के तहत, आर्टेमिस मिशन इसका नाम है, इसके लिए बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारी चीज़ों की कॉन्ट्रैक्ट मिली है। इसमें नोकिया को 1.03 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, और वो बनाने जा रही है, जो 2022 तक उन्हें काम को पूरा कर लेना है। तो इस चैनल के द्वारा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को अच्छी जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन